बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 13 पर मुश्तमिल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल पनिशमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक ऑफेंस किया है, उसी ऑफेंस के लिए उसको दो बार पनिशमेंट दी जाए तो उसको हम डबल पनिशमेंट कहेंगे। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है कि किसी को हम फोर्स करें कि आप ये जो जुर्म है कबूल करो, मतलब उसको फोर्स करें कि आप ये जुर्म कबूल करो, चाहे उसने किया हो या नहीं किया हो, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगी। डबल पनिशमेंट तो आपको तो ये मीनिंग आती होगी कि डबल पनिशमेंट क्या है। अब आप बोलेंगे सर आप हमें समझाएं कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी ने एक चोरी की है, उसको कोर्ट ने दे दी 10 साल सजा, ठीक है। अब कोई अपील करता है फिर उसने वो 10 साल सजा काट ली। अब कोई अपील करता है फिर हाई कोर्ट ने 10 साल सजा दे दी। अब वो दोबारा उसको वही सज़ा नहीं मिल सकती, डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती। उसने 10 साल सजा काट ली, सो काट ली, अब वो जेल से बाहर निकल आएगा। अब उसको 10 साल काटने के बाद दोबारा 10 साल नहीं रहना पड़ेगा जेल में। ये होती है डबल पनिशमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस आर्टिकल में एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है। सब आर्टिकल 1 कहता है नो पर्सन। अब हम आते हैं क्लास एक तरफ, शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस। कोई भी शख्स ऐसे किसी ऑफेंस के लिए पनिश प्रोसिक्यूटेड नहीं हो सकता जो कि उसने एक बार किया है, मोर देन वंस। किसी को भी हम एक ही ऑफेंस के लिए एक बार ही सजा दे सकते, मोर देन वंस सजा नहीं दे सकते। और अब आता है, और अब क्लास बी में क्या कहता है, क्लास बी आर shall not be punished if he is compelled to do so। क्लास बी का मकसद ये है कि अगर किसी को फोर्स किया जाए कि आप ये जो है जुर्म कबूल करो, चाहे उसने किया हो या नहीं किया हो, तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 3 क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है कि अगर आपको किसी ने फोर्स किया तो ये इलीगल चीज़ है कि आप ये जो जुर्म कबूल करो। तो इसीलिए ये जो वो सजा होगी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की तरफ चली जाएगी और वो एडमिसिबल बाय लॉ नहीं होगी। आर्टिकल 13 का मकसद यही था। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।